मैं अब कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूं। बहुत बढ़िया, स्वागत है, स्वागत है, क्या बात है, स्वागत है भाई। ये मंचों की एक लोकप्रिय कविता है, देश में जन समूह को मैंने इस कविता को अपने साथ गाते हुए देखने का अनुभव प्राप्त किया है। देश की वर्तमान परिस्थिति में इस कविता को प्रस्तुत करता हूं, ध्यान चाहूंगा सदन। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूं नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत पढ़ूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत पढ़ूंगा जनगण मन के क्रंदन के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुनाए बिंदिया कुमकुम रोली के, कैसे कोई गीत सुनाए बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, जिस देश में 40 करोड़ लोग रोटी के लिए एक समय भूखे रहकर सोने की व्यवस्था में जीते हों, वो देश धर्म के मंदिर और मस्जिद के स्थान पर होते हुए झगड़े को कैसे देखता हो। कहाँ बनेंगे मंदिर मस्जिद, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल ने पी डाला आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए, कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल चले, सौन चिरैया सूली टंग गई पंछी गाना भूल चले, आंख खुली तो माँ का दामन नाखूनों से त्रस्त मिला, आंख खुली तो माँ का दामन नाखूनों से त्रस्त मिला, जिनको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। एक नया मजहब जन्मा है पूजा घर बदनाम हुए, एक नया मजहब जन्मा है पूजा घर बदनाम हुए, दंगे कत्ले आम हुए हैं और मजहब के नाम हुए, मोक्ष कामना झांक रही है सिंहासन के दर्पण में, सन्यासी के चिमटे हैं अब संसद के आलिंगन में, तूफानी बादल छाए हैं नारों के बहकावों के, हमने अपने इष्ट बना डाले हैं चिन्ह चुनावों के, ऐसी आपाधापी जागी सिंहासन को पाने की, मजहब पगडंडी कर डाली राजमहल में जाने की, जो पूजा के फूल बेच दे खुले आम बाजारों में, मैं ऐसे ठेकेदारों के नाम बताने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। कोई कलमकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, जिसके मन में जो आया सत्ताधीशों ने जैसे चाहा ऐसे वक्तव्य दिए, किसी का दिल दुखे तो जनता के दिल को चोट लगे तो वो सब अपनी अपनी मनमानी अपने सत्ता के नशे में खोए हुए जो चाहते रहे करते रहे। कोई कलमकार के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई कोई ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आजादी है। प्रिय श्रोताओं, एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। महाभारत में एक मैंने कथा पढ़ी है, एक राजा होते थे शिशुपाल, वो श्री कृष्ण जी को अक्सर गाली की भाषा में बोलते थे, गालियां देते रहते थे अक्सर, लोग आश्चर्य करते थे, कृष्ण से पूछते भी थे कि क्या डर है आपको राजा शिशुपाल का कि आप उनकी ये गाली की भाषा सह जाते।
तो श्री कृष्ण बताते थे कि शिशुपाल मेरी बुआ का बेटा है और मेरी बुआ जी ने मुझसे एक बार खाना खिलाते हुए वचन ले लिया कि कृष्ण मेरे इस बुद्धिहीन बेटे की 99 गाली माफ कर देना। मैं वचनबद्ध हूं बुआ का, इसकी 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन जिस दिन 100वीं गाली देगा इसको सजा मिलेगी। और महाभारत में लिखा मिलता है कि 100वीं गाली पर भरे दरबार में राजा शिशुपाल की गर्दन सुदर्शन चक्र से काट दी जाती है। इस कथा का ध्यान कीजिए और मेरा यह छंद सुनिए, फिर से पढ़ता हूं। कोई कलमकार के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई कोई ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूके आजादी है, कोई गांधी जी को गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना वैनों में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोर सिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। उपमाएं देता हूँ। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, मैं नेताओं के लिए सीधे सीधे क्या कहूँ, सीधे कहना नहीं चाहिए, मेरे और नेता की भाषा में कुछ अंतर होना चाहिए, लेकिन जनता समझती है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगुला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है, तो बगुला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, एक बहुत अच्छी लगती है मुझे पंक्ति, आप तक पहुंचेगी, मुझे कम याद रखना, इस पंक्ति को अधिक याद रखना। जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तम्मा की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तम्मा की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तम्मा की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं, सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत दिल्ली में है, सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोले तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, कहते हैं यदि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर अंतिम छंद, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। भैभिन होय न प्रीत गुसाई रामायण सिखलाती है, भैभिन होय न प्रीत गुसाई रामायण सिखलाती है, राम धनुष के बल पर ही सीता लंका से आती है। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं, जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं, तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं, तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। केवल रावल पिंडी पर मत थोपो अपने पापों को, दूध पिलाना बंद करो अब आस्तीन के सांपों को, अपने सिक्के खोटे हो तो घेरों की बनवाती है, अपने सिक्के खोटे हो तो घेरों की बनवाती है। और कला की नगरी मुंबई लोहू में सन जाती है, राजमहल के सारे दर्पण मैले मैले लगते हैं, इनके खूनी पंजे दरबारों तक फैले लगते हैं, इन सब षड्यंत्रों से पर्दा उठना बहुत जरूरी है, पहले घर के गद्दारों का मिटना बहुत जरूरी है, पहले घर के गद्दारों का मिटना बहुत जरूरी है। पकड़ गर्द में उनको खींचो बाहर खुले उजाले में, चाहे कातिल सात समंदर पार छिपे हो ताले में, ऊधम सिंह अब भी जिंदा है ये समझाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ।